Hey guys, what is up? मैं हूँ सचिन भट्ट और आप देख रहे हैं टेक्स 24. So दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्या आपको सस्ते आईफोन्स के चक्कर में जाना चाहिए, क्या आपके सस्ते आईफोन या कॉपी आईफोन्स को खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूट्यूब पर चल रहा है आजकल ट्रेंड. सो दोस्तों अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही टेक्स रिलेटेड नए वीडियोज लाते रहता हूँ. और दोस्तों नीचे जाना है आपको, सिंपल रेड बटन है उसको हिट करके सब्सक्राइब करके जुड़े रहना है. सो दोस्तों बेसिकली मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप आईफोन की कॉपीज को खरीदो, या जो ये आप बहुत सारे यूट्यूबर्स दिखा रहे हैं कि दिल्ली के फलाना फलाना मार्केट, चोर बाजार, मीना बाजार या चांदनी चौक, यहाँ पे आपको 7000 रुपए में सस्ते आईफोन्स मिल जाएगा. ये ज़्यादातर दोस्तों ये ब्लॉगर्स कर रहे हैं जिनको सस्ते व्यूज चाहिए, वो ये इस तरह के वीडियोस बना के और डाल देते हैं. और खैर उनकी भी गलती नहीं है, जहाँ पे व्यूज आएंगे वहाँ पे वो जाते हैं. सो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे ये जो आप 7000-10000 में आईफोन 10 खरीदते हो, एकदम यूजलेस होगा दोस्तों. उसमें आपको कोई फीचर्स नहीं मिलने वाला है. शुरुआत में तो आप देखोगे कि हाँ यार बिल्कुल ये आईफोन की तरह है. अगर आप उसको ओपन भी करोगे तो भी आपको लगेगा कि हाँ आईफोन 10 है, बिल्कुल हमें 7000-10000 रुपए में आईफोन 10 मिल गया. वो बोलेंगे कि हालांकि ये कॉपी है, लेकिन फिर भी आपको लगेगा. लेकिन कुछ दिन बाद जब आप उसको यूज़ करोगे तो ना उसकी बैटरी ठीक से काम करेगी, ना उसका कैमरा बढ़िया काम करेगा. ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं खाली मुंह से बोल रहा हूँ, मैंने एक्सपीरियंस लिया है, मेरे एक दोस्त ने एक्सपीरियंस लिया है. और दोस्तों इन मार्केट्स में जाना, ये जो चोर बाजार हो गया दिल्ली का चोर बाजार, इस जगह पे जाना आपको आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है. अभी रिसेंटली में एक मेरा दोस्त इसी चक्कर में, क्रेज के चक्कर में आईफोन 10 लेना है. उसने बोला कि 10000 में आईफोन 10 मिल जाएगा, चोर बाजार से लेके आता हूँ मैं आईफोन 10. और वहाँ पे गया दोस्तों, उसके बाद उसको पहले बोला कि आपको तो मैं 3000-4000, जो दुकानदार था उसने बोला कि मैं तुम्हें 3000-4000 रुपये में आईफोन 10 दे दूंगा. 1 लाख का आईफोन 10 आपको 3000-4000 में दे रहा है. तो उस लड़के, उस मेरे दोस्त को बोला उन्होंने कि तुझे 3000-4000 रुपये में मैं आईफोन 10 लेके दे दूंगा. वो बहुत खुश हो गया और गया, उसको ले गए नीचे, उनका एक बेसमेंट था वहाँ पे ले गए और वहाँ पे बोला कि हाँ भाई पैसे निकालो. जब उन्होंने पैसे निकाला तो दोस्तों वहाँ पे उससे बोला कि अभी 16000-17000 और लगेंगे इसकी ईएमआई नंबर चढ़ाने के लिए इस पर, तभी जाके फ़ोन चलेगा और हम देंगे. तो उसने बोला कि भाई अब सब 3000-4000 की बात हुई थी, अब आप बोल रहे हो 16000-17000 और दो ईएमआई, आप हमें इससे क्या मतलब था, हमें तो 3000-4000 से मतलब था, आपने 3000-4000 में बोला था, मैं इसलिए आया. उसने बोला कि चल अब सारे जेब में से जितने पैसे हैं ना वो सब निकालो, और सब कुछ पैसा छीन लिया बस कैसे कैसे उसने अपने एक फ़ोन बचा के वहाँ से लिया है. तो दोस्तों ये हुआ कि वहाँ पे आपको पता नहीं है कि कैसे कैसे लोग हैं. और एक और चीज़ है कि वहाँ पे आप किसी से फालतू भी नहीं बोल सकते, सबका यूनियन होता है. आप वो 2 मिनट में इकट्ठे हो जाएंगे, पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो आप गलत माल खरीदने जा रहे हो या एक तो सस्ते के चक्कर में जा रहे हो. मतलब टोटल कहने का मतलब ये है कि आपको वहाँ पे फंस के ही आना है. अगर आप पुलिस का सहारा लोगे, या तो अगर आप उनसे लड़ाई करोगे तो भी उनसे नहीं जीत पाओगे, क्योंकि सारी जो उनकी यूनिटी होती है वो एकदम से इकट्ठे हो जाएंगे और वो आपको ही उल्टा ब्लेम करने वाले हैं, या आपसे ही लड़ेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, जो भी है. तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आप 10000-7000 रुपये खर्च कर रहे हो तो क्यों नहीं बढ़िया ब्रांडेड फ़ोन्स लो. बढ़िया ब्रांडेड फ़ोन्स लोगे तो उन पर वारंटी भी है, यहाँ पे आपको फर्स्ट कॉपी मिल जाएगा. कोई कोई यूट्यूबर्स ये भी बोल रहा है कि इस फ़ोन पे हम इतने दिन के वारंटी दिलवा रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन दोस्तों जब आपके फ़ोन में प्रॉब्लम आएगी तो रियलिटी ये है कि वो कोई भी हेल्प नहीं करने वाले हैं, वो खाली बेचने के मकसद से हैं. बहुत सारे यूट्यूबर्स तो ये भी बोल रहे हैं कि ये वाला ले लो, ये वाला बिल्कुल आईफोन 10 की तरह काम करता है. लेकिन मैं बोलूँगा कि कॉपी लो ही मत दोस्तों, क्यों लोगे आप कॉपी. इतने में आपको अच्छे कंपनी के ब्रांडेड फ़ोन्स मिल जाएंगे, जैसे रेडमी के नोट 5 का सीरीज़ ले लो, उसका बहुत बढ़िया 10000 में आपको 12000 में बढ़िया फ़ोन मिल जाएगा, जो कि 1-2 साल वारंटी के साथ मिलेगा और उसकी एक ब्रांड वैल्यू भी है, अच्छे स्पेसिफिकेशंस भी मिलेंगे, कैमरा भी मिलेगा. तो क्यों आईफोन 10 के चक्कर में जाके आप अपने इतनी मेहनत से कमाए हुए 10000-7000 रुपये आईफोन 10 लेने के चक्कर में खो दोगे और फिर उसके बाद बैठ के ठंड ठंड गोपाल करते रहोगे. तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो इसको लेना मत. और जो मैंने स्टोरी बताया है कि वहाँ इन सब मार्केट्स में जाना और इस तरह से परचेजिंग करना, ये भी आपके लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है. सो दोस्तों इस चीज़ को भी आप अपने ध्यान में रखो. और यूट्यूबर्स जो बोल रहे हैं कि 7000 में ही ले लेना चाहिए, 10000 में ही ले लेना चाहिए, तो दोस्तों ये पागल बना रहे हैं. फर्स्ट कॉपी में बोल रहा हूँ, मेरे दोस्त भी यूज़ कर रहा है और वो उसका बैटरी एक तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, चाहे वो अच्छी फर्स्ट कॉपी क्यों ना हो. वो बिल्कुल, वो बोल रहा था कि कॉपी नहीं फर्स्ट कॉपी, हाँ कॉपी में भी 2 क्वालिटी होती है. उसने फर्स्ट कॉपी वो यूज़ कर रहा है, उसकी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जा रही है. कह रहा है कि भाई कैमरा तो जो मैंने स्टार्टिंग में उन्होंने थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए दिखाया, तो मैंने एकदम से टेस्ट करके देखा तो मुझे बढ़िया लगा. फिर मैं जब
घर लेके आया, 5-6 दिन चलाया तो फिर देखा कैमरे की क्वालिटी दिन पर दिन खराब होती जा रही है और कैमरे की क्वालिटी एकदम डल होती जा रही है, ब्लरनेस आते जा रहा है उस कैमरे में। सो दोस्तों ये पता नहीं कि क्यों हुआ, वो तो खैर लोकल प्रोडक्ट है तो वो होने वाला ही है जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो दोस्तों आप हमेशा लो तो क्वालिटी प्रोडक्ट लो और कंपनी का लो, एप्पल का ही लेना है तो यार पैसा कमाओ और फिर एप्पल का खरीदो, क्यों आप फर्स्ट कॉपी के चक्कर में आपने जो भी इतनी मेहनत से इकट्ठा किया हुआ पैसा है उसको भी आप बर्बाद कर दोगे। सो दोस्तों होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को नीचे जाकर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नीचे एक रेड बटन मिलेगा उसको जाकर हिट करके सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, मैं ऐसे ही टेक से रिलेटेड नए वीडियोस लाता रहता हूँ। धन्यवाद।